और जिस तरीके से पहाड़ों के बीच से पानी निकल रहे हैं ना, कसम से अमेजिंग लग रहा है भाई। आप लोग गया से होना कहीं से भी भाई, फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए ना एक बार यहाँ पे आके देखो, मजा आएगा। क्योंकि अभी तक इस जगह के बारे में लोग जानते नहीं थे, अब जब सामने आ गए ये तो भाई कम ऑन भाई। फील दिस ब्रो, ये और कहीं नहीं हमारा गया जी है। भाई गया जी में ना आपको इस तरीके का सीन शायद आपने नहीं देखा होगा अभी तक। अभी मैं बता दूं आपको कि मैं गया में ही हूँ, लोकेशन आप लोग पहचान करो, वरना मैं वीडियो के लास्ट में आपको लोकेशन ज़रूर बताऊंगा। ये देखो, और भाई लोकेशन की बात छोड़ो यार, सबसे पहले आप इस आवाज़ को, इस साउंड को फील करो। ये भाई इतना मज़ा आ रहा है ना सुन के कि मतलब हमारे गया जी में कुछ इस तरीके का साउंड सुनने को मिल रहा है। आप झरने का आवाज़ सुन सकते हो भाई, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही मनमोहक सा दृश्य है ये। मैं आगे चलने और फ्रेंड्स अभी मैं गया जी में हूँ, और गया में एक ऐसे जगह पे आया हूँ जो कि आप कह सकते हो ना हिडन प्लेस। बहुत सारा आजकल वीडियो वायरल चल रहा है, तो मैं भी आज एक हिडन प्लेस ढूंढ लिया हूँ गया जी में, जहाँ पे आपको ये मीठी मीठी आवाज़ जो है ना झरना का सुनाई दे रहा होगा। लोकेशन की बात बाद में करूँगा लास्ट में, लेकिन फिलहाल आपको ये साउंड फील करो एक बार, कितना मज़ा आ रहा है सुनकर। और आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ही बड़ा नहीं लेकिन हाँ बहुत ही प्यारा झरना का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। चलिए आपको इस वीडियो में मैं पूरा ये व्यू जो है, ये स्पॉट जो है वो दिखाता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित, और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोहित प्रभाकर ब्लॉग्स में। चैनल पर नए हो तो चैनल करना सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन भी ऑन, जिससे कि आपको हमारे सारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलता है। एंड वन थिंग, इस पूरे वीडियो का श्रेय ना भाई इसको जाता है, क्योंकि हम लोग अभी रास्ते से निकले जा रहे थे लेकिन इसने आइडिया दिया कि भैया इधर एक रास्ता है, चलिए ना देखते हैं आगे क्या है। तो भाई जस्ट एक्सप्लोर करने के चक्कर में कुछ ऐसी जगह पे आ गए जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। बहुत ही मस्त सा प्लेस है, आप साउंड को फील दिस, बॉस। ये हमारे गया जी में है भाई, मैं बाहर नहीं हूँ, अपने शहर में हूँ। ये देखो, थोड़ा देखता हूँ भाई पानी ठंडा है या नहीं। ओ माय गॉड, ओह क्या बात है, वंडरफुल। कैसा लग रहा है ब्रो, ऊपर क्या है ऊपर? ये देखो भाई किस तरीके से यहाँ पे पानी गिर रहा है, और इस ऊंचाई से पहाड़ों के बीच से होते हुए ये नीचे तक जा रहा है। भाई मुझे लगता है कि जब बारिश होती होगी ना तो इस पॉइंट का एक अलग ही मज़ा होगा। क्या आ रहे? ये देखो ब्रो, भाई मज़ा आ गया कसम से। सोचे थे क्या ऐसे जगह पे आएंगे? ये देखो भाई, ओह क्या बात है, पानी बहुत ठंडा है दोस्त। और फ्रेंड्स इस चीज़ को मैंने सोचा नहीं था कि हमारे गया जी में कुछ इस तरीके का भी स्पॉट होगा। और आप देख सकते हो भाई यहाँ पे ये जो झरना है, हालांकि अभी जलप्रपात बहुत बड़े स्तर पे नहीं गिर रहा है, लेकिन हमारे गया जी का इसको बोलते हैं भाई हिडन प्लेस। मतलब बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा हिडन सीक्रेट, हिडन प्लेस ऑफ गया, लेकिन आज इस जगह पे हम लोग पहुँचे ना, सच में ये हिडन है। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही मनमोहक दृश्य आप देख सकते हो हमारे पास में, आपको इस तरीके का साउंड सुनने को मिल रहा है, इस तरीके का पानी बिल्कुल ठंडा भाई, एकदम ककोला जैसा आपको फील होगा। तो अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला था कि वीडियो में आपको आगे चल के लोकेशन बताऊंगा, तो जैसे ही आप डुंगेश्वरी हिल आते हो ना, डुंगेश्वरी हिल के बीच रास्ते से ही एक और रास्ता कटा है। आप किसी से यहाँ पे पूछोगे कि यहाँ पे झरना कहाँ पे गिरता है, तो शायद आपको बता देंगे और आप उसके सहारे हुए हैं यहाँ तक पहुँच जाओगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि अभी ज़्यादा वर्षा नहीं हुई है तो थोड़ा सा कम पानी आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है आपको यहाँ पे ज़्यादा बारिश देखने को मिले। ये पानी आ रहा है, ये देखो। अभी अभी यहाँ पे जो लोकल नागरिक है ना, उनसे मालूम हुआ कि ये झरना का जो ऑरिजिन है ना वो ऊपर है, और वो और भी ज़्यादा यूनिक है, मतलब और भी बड़ा वहाँ पे रूप देखने को मिलेगा। तो भाई हम लोग भी कहाँ मानने वाले थे, आओ भाई हम लोग इस एडवेंचर की खोज में ऊपर तो जा रहे हैं, पता नहीं उस पॉइंट तक एग्जैक्टली पहुँच पाएंगे या नहीं, बट कोशिश जारी है सिर्फ आप लोगों के लिए। किधर है भाई उस पॉइंट का? मुझे लगता है वहां से जाना पड़ेगा। ये देखो भाई कुछ ऐसे लोकेशन पे आ गए हैं जो कि अपने आप में यूनिक है। ये देखो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे चले जा रहे हैं। भाई इधर लोग जो हैं वो पिकनिक भी सेलिब्रेट करते हैं। और देखो चलते चलते हम लोग आ गए हैं जहाँ पे झरना आपको थोड़ा
तेज देखने को मिलेगा। ये देखो, ओ माय गॉड भाई, अमेजिंग। ये देखो पहाड़ों के बीच से ये झरना निकलते हुए, भाई कसम से मज़ा आ रहा है यार। ओ माय गॉड, गड्ढा भी भाई देख कितना ज़्यादा गड्ढा है इसमें भाई, अमेजिंग यार। मैंने तो सोचा कि मतलब वो झरना जो है ना वहीं पे खत्म हो गया है, बट वहाँ पे एक्चुअली खत्म नहीं था। यहाँ पे जो स्थानीय नागरिक थे वो बताए कि ऊपर जाइए, ऊपर इसका अलग ही व्यू है। कसम से भाई यहाँ पे आना तो अलग ही व्यू देखने को मिल रहा है। और भाई पानी भी एकदम बिल्कुल जड़ी बूटी से परिपूर्ण, भाई इसका सेवन आप कर सकते हो। भाई यहाँ पे अगर आप आते हो और भाई एक बार स्नान कर दो तो बहुत मजा आएगा कसम से। मतलब सोच रहे हैं हम लोग, लेकिन हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, टॉवल वगैरह नहीं है, वरना भाई कसम से इसमें जंप मारने का मन कर रहा है। कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ पे, और जिस तरीके से पहाड़ों के बीच से पानी निकल रहे हैं ना, कसम से अमेजिंग लग रहा है भाई। आप लोग गया से होना कहीं से भी भाई, फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए ना एक बार यहाँ पे आके देखो, मजा आएगा। क्योंकि अभी तक इस जगह के बारे में लोग जानते नहीं थे, अब जब सामने आ गए ये तो भाई कम ऑन भाई, नहीं समझ में आता है ये लोकेशन कहाँ पे। तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे मोहित प्रभाकर ब्लॉग्स पे हमें इनबॉक्स करो, मैं आपको फुल डिटेल बता दूंगा कि ये कहाँ पे, या फिर आप इस वीडियो के माध्यम से आपको मालूम हो ही जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखो, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा कि ये लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पे है। ये देखो फ्रेंड्स, कैसे पहाड़ों के बीच से ये झरना निकल के आ रही है। ये देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा बिल्कुल पैक्ड है, पहाड़ों के बीच से आपको ये झरना देखने को मिल रहा है। और भाई फील दिस साउंड, बस एक बार इसको फील करो, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, मज़ा आ रहा है इस चीज़ को देख कर। फ्रेंड्स इस जगह पे आके काफ़ी अच्छा फील हुआ इस झरना पे, और अब फिलहाल टाइम हो चला है घर जाने का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड किए, मज़ा आया। फिलहाल अब हम लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं बाहर जाने का, उधर से जाना है भाई, इससे चलो, इससे इस वाले से चढ़ जाओ ऊपर, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ ऐसे। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग अगर गया से हो तो यहाँ पे आना मत भूलना, काफ़ी अच्छा फील होगा आपको आके यहाँ पे। बाय एंड टेक केयर भाई, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। बाय। इसी लोकेशन पे हमने गया था फ्रेंड्स, इससे होकर बहुत थोड़ा आगे चढ़ना पड़ा था उस वाले पेड़ के पास में। वैसे आपको यहाँ पे छोटा छोटा झरना देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है आगे चल के यहाँ पे। अब हम लोग चल रहे हैं भाई इससे नीचे, थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। ये देखो भाई, दिखने से कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि ऊपर इतना ही मनमोहक दृश्य होगा, इतना बड़ा झरना होगा। ये देखो ये पूरा पहाड़ है और इसी के बीच से ये झरना निकल के आ रहा है। और भाई मुझे लगता है कि भारी भारी बारिश होने के बाद ये और भी अच्छा लगता होगा दिखने में।